Thank you.
Baba Deep Singh Ji, Nan Nan Baba Deep Singh Ji, Nan Nan Guru Nan Guru Pyare, 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 Nan Nan Baba Deep Singh Ji, Nan Nan Baba Deep Singh Ji. Nan Nan Baba Deep Singh Ji, Nan Nan Baba Deep Singh Ji, Oke Amar Shaheed Baba Deep Singh Ji, Deep Singh Ji, Baba Deep Singh Ji, Baba Deep Singh Ji. Baba Deep Singh Ji, Tan Tan 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 Baba Deep Singh Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru. जितने भी आप में बैठे हो उसे एक दो मिनट समाप्ति है. आज बाबा जी से ना आगमन ने आड़े उस तरह कई जगह 26 में भी मनाया गया है, आज भी मनाया है. सारे आपको वाहेगुरु, वाहेगुरु. कितने बटे ने बाबा दीप सिंह जी, एक बारी सुनियो बड़े ध्यान से ना. आप जी सारे साबो की तलवंडी, बाबा दीप सिंह जी महाबली योद्धे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, जती सती दे पूरा पहरा, नेमी योद्धे और बेअंत गुण बाबा जी. एक बारी बाबा जी बड़े प्यार हाथ में कोला फड़िया, राख लेके कोले नु मांज रहे. एक मिनट बीत गया, दो मिनट बीत गए, तीन मिनट बीत गए. नहीं तो जो अभी भांडिया की सेवा करते हैं या कोई सेवा करते हैं, 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर उसके ऊपर सर्फ लगाते हैं या फिर रेत न मांजते हैं, उन्हें अगली जगह साफ करने भेज देते. बाबा जी कोला फड़िया है, एक मिनट बीत गया, दो मिनट बीत गए, पांच मिनट बीत गए, बाबा जी रेत नाम साफ ही करी जा रहे, नाल जाप करी जा रहे हैं. वाहेगुरु कुदरती गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने नेड़े आके खड़े हो गए. बाबा जी अपने मस्त वाहेगुरु वाहेगुरू करी जा रहे हैं, कोला मांजे जा रहे हैं, एको ही कोले को चमकाई जा रहे हैं, चमकाई जा रहे हैं. बाबा जी ने नजर कुदरती गुरु गोबिंद सिंह चरणा ने पाई. बाबा जी ने उपर देखा, उन्होंने अपने मालिक गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े हुए ने, कोला नाल ही पानी ने साफ करके उठे रखता. बाबा जी को पहले माफी मांगी, बाबा जी आप बहुत समय से खड़े हुए हो, मैं थोड़े वाल ध्यान नहीं कर पाया, थानू देख नहीं पाया, थोड़े दर्शन नहीं कर पाया. तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते सारा कुछ ठीक, लेकिन तू तो एको ही भांडे को मैं देख रहा, पांच सात मिनट तू चमकाई जा रही, और ते की देखना चाहता और क्यों इतना तू साफ कर रहे हैं और भांडे की सेवा क्यों कर रहे हैं. दो सवाल किए. पहला सवाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया कि कोले तू इतने समय तू मांज रहा है, एक सवाल. दूसरा सवाल क्यों मांज रहे, बहुत समय तू मांज रहा है, भिज के मांज रहे, वाहेगुरु वाहेगुरु जप के मांज रहे. दूसरा
दूसरा सवाल क्यों मांज रहे हैं? तेरे अंदर इतने गुण ने जिन्हों का आज आगमन लिया है, तेरे अंदर इतने गुण ने शस्त्र ने धनी, घुड़सवार ने धनी, कलम ने धनी, नेम ने धनी, योद्धे पूरे, इतने गुण, गुणा विचों गुण बाबा जी को इतने गुण सन, गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या कहने ये क्यों कर रहे हैं? ते बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह को पहले सवाल का जवाब हाथ जोड़ के नम्रता में दिता, कहने बाबा जी आपकी जानी जानो, लेकिन गुरु साहब जी महाराज मैं बोला 5-7-8 मिनट तो जो मान लिया एरे विच मैं बाबा जी अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैनू अपना चेहरा दिखता है क्योंकि सानू दूसरे के चेहरे दिखते हैं, सब दे अंदर कमी है, सब तो वध मेरे अंदर, जिस दिन असी अपने अंदर कमी लभना शुरू कर दी फिर सानू दूसरे की कमी नहीं पहले अपनी कमी दिखती। गुरु गोबिंद सिंह जी को कहने कहने बाबा जी मैं एरे विच अपनी कमियां अपना चेहरा देख रहा, ये पहले सवाल का जवाब कि बाबा जी मैं इतना मान हस रहा वा इस करके रहा कि मैं चेहरा दिख रहा अपना। कहने दूसरे सवाल का जवाब क्यों मान रहे हैं? कहने बाबा जी इस करके मान रहे वा कि कई बार मन जो है ना वो अपने अंदर यह बना लेता है कि अगर तू ना हो तो यह ना हो। सब तो पहले अहंकार मन आगे चुपता है, कोई किसी काम हो जाए, कोई परोकार हो जाए, कोई बड़ी सेवा हो जाए, कोई गुण आ जाए, अच्छे कीर्तनी बन जाइए, अच्छे बुलारे बन जाइए, या कोई होर गुण आ जाए तो सब तो पहले अंदर यह आता है कि साढ़े वर्गा कोई नहीं, सारे को वाहिगुरु, या इसके अलावा कोई दुनियावी गुण माया आ जाए या गड़ियाँ आ जाए या शोहरत मिल जाए या एक जुबान बोली ने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए जिन्हों जमात कहने हरगोबिंद साहब जी ने भी कहा जमात न करामात है, वो चीज हो जाए तो अहंकार आता है। गुरु गोबिंद जी को बाबा दीप सिंह जी कहते कहते बाबा जी मन चंचल है, मन टिकता नहीं, तो मन को टिकाने मैं कोले मानते सारे को वाहिगुरु। हूँ बाबा जी चले गए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बाबा दीप सिंह दूसरा कोला पढ़ लिया, बाबा जी मांझी गए फिर वो करते करते 5-7-8 मिनट बीत गए, कुदरती गुरु गोबिंद सिंह जी फिर लगे उसी जगह पर, जब लगे तो गुरु गोबिंद सिंह ने फिर पूछ लिया कहने कहने कि असी हमने थोड़े समय पहले निकले सी तार भी तू कोला मांझ रहे सी, तेन दो सवाल किए हूँ तू फिर कोला मांझ रहे हैं, हूँ फिर तेन पुछने हूँ क्यों कोला मांझ रहे हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी कहते कहते बाबा जी पहले मैं कोला मान रहा थी अपना चेहरा देखने दे, अपने अंदर झाती मारने दी, कहते बाबा जी हूँ मैं कोला मान रहा मैं ये थोड़े दर्शन करना चाहता सारे, कहते बाबा जी मैं इस करके कोला मान रहा हूँ थोड़े दीदार हो जाए, मतलब अपने रूप थोड़े दर्शन हो जाए, जिमें गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी खालसा मेरो रूप है खास, तो गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए। हूँ गुरु गोबिंद सिंह ने सवाल किया बाबा दीप सिंह जी ने, अज बाबा दीप सिंह का आगमन दिहाड़ा कितने वड्डे ने बाबा दीप सिंह जी, हूँ बाबा दीप सिंह जी सवाल कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, पहला सवाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया बाबा दीप सिंह जी ने, दो सवाल उसके बाद हूँ बाबा दीप सिंह जी ने सवाल किया गुरु गोबिंद सिंह जी, ये सवाल जवाब हो रहे आपस में, ये भी बड़ी प्यार भरी पढ़ाई है। गुरु गोबिंद सिंह जी को बाबा दीप सिंह जी कहते कहते बाबा जी मेरा एक सवाल है, साढ़ा भी कई बार सवाल होता है, कहते बाबा जी मेरा एक सवाल है, गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुरा के कहते कहते करो सवाल, की सवाल है? कहते बाबा जी असी सेवा भी करते हैं, असी बंदगी भी करते हैं, असी दान पुण भी करते हैं, असी धार्मिक काम भी करते हैं, असी होर भी चंगे काम करते हैं, लेकिन बाबा जी ये चीज थाए पै गई या थाए पै रही है, ये उपर थोड़ी मोहर लग रही है, ये सानू किवें ज्ञान है, सानू किवें पता चले, असी भी सेवा करते हैं,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਉਠਾਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਜਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਨੇਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੇ ਕਬੀਰ, ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਆਤਮ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ